ग्वालियर में मैरिज गार्डन्स की, जहां लोगों की सुरक्षा से हो रहा है खिलवाड़। बिना फायर एनओसी के मैरिज गार्डन चल रहे हैं। कल ऐसे ही एक मैरिज गार्डन में आग लग गई थी। आतिशबाजी की चिंगारी से सिलेंडर में आग भड़की और मैरिज गार्डन का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी ही मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मंदिर के सामने निर्मल वाटिका और परमार वाटिका है, दोनों पास में ही है। तो निर्मल वाटिका में अभी अज्ञात कारणों से आग लग गई है, फिर भी शॉर्ट सर्किट के द्वारा हुआ है और फिर भी जांच के बाद क्लियर हो पाएगा कि कैसे लगी है। और स्टेज है और पर्दे वगैरह जल गए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है। तो राहत की बात तो ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन किस तरह से हुई थी नियमों की अनदेखी वो अब आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैरिज गार्डन में नियमों की अनदेखी हुई। ग्वालियर में 208 मैरिज गार्डन हैं। 50 मैरिज गार्डन के पास फायर एनओसी है, जबकि बिना एनओसी के 98 मैरिज गार्डन चल रहे हैं। यही रही, अवैध तरीके से यहाँ पर 60 मैरिज गार्डन बना दिए गए और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता। और ये मैरिज गार्डन के जो संचालक हैं आपकी जिंदगी के साथ करते हैं खिलवाड़। और अब